अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है ना, एक तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे, और दूसरा ये कि मैंने किचन से स्टार्ट लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मैं पकौड़े बना रही हूँ, ये वाली बबी के ऑफिस के लिए। ऑलरेडी वो बेचारी लेट हो चुकी हैं क्योंकि किचन में वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं, इसीलिए अभी फटाफट ये उनके बाउल में, ये जो ऑफिस के लिए मैंने ये तैयार किया है उसमें डालने हैं, इसमें रमजान विद पकौड़े, इनके बगैर तो गुजारा नहीं है। अभी जरा मैं इनको देखती हूँ पहले, पता नहीं कितनी दफा बर्तन धो फिर भी कम नहीं होते। और इसके बाद यहाँ पे मैंने तैयारी की हुई है सेवइयों की, लाइक कस्टर्ड विद सेवइयां। तो अभी ये बनाते हैं। और इसके साथ क्या बनना है बाबा? बस यही चीज़ें आज मेन्यू में, हमारा मेन्यू पकोड़े, चिकन और आज सेवइयां, खीर वाली सेवइयां। तो शुरू करते हैं अब ये वाला काम, अल्लाह का नाम लेके। मेरा ये सालन की हालत ऐसी कुछ बन चुकी है, ये रोस्ट हो रहा है और इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। अच्छा, बस इसको भूनना और रोस्ट करना, ये हो गया। और सेवई, इसके लिए कस्टर्ड विद सेवइयों के लिए मैंने एप्पल काट के रखे हुए हैं, साथ में बनाना है और रंग बिरंगी सेवइयां आ गई। ये हल्दी मैंने नहीं डाली, ये मैंने सपोर्ट कैमरा को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे रखी हुई थी। और कस्टर्ड आ गया और साथ में बबी इसके लिए ड्राई फ्रूट्स काट गए। यहाँ पे हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है और अभी हमने इसमें ऐड करनी है सेवइयां, सिर्फ एक कोली, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड ऐड करना है। अच्छी तरह से हो जाए बॉयल, उसके बाद हमने इसमें कस्टर्ड ऐड करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स बाकी के। और यहाँ पे हमारा चिकन देखें कितना अच्छा है, उसको हो जाए कुछ अच्छी आ रही है। इसे मैं कस्टर्ड समझ के लाई थी और ये देखिए क्या निकला, कॉर्नफ्लावर निकला। अभी कस्टर्ड देखें इसमें मैंने डालना है। बड़ी खुश हुई थी कि ये पूरे का पूरा डब्बा है, आज न्यू वाला डब्बा खोल रहे हैं, लेकिन मैंने चेक ही नहीं किया था कि ये क्या है। अब यहाँ पे मैंने कहीं कस्टर्ड रखा हुआ था किसी डब्बी में जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, देखें आज काम आ गई वो चीज़। ये सारे मसालों के पीछे यहाँ पे ये मैंने कोने में रखा हुआ था, निकल आया बबी, मिल गया, थैंक गॉड, वरना बन गया था हमारा कस्टर्ड। चलें इसको करते हैं हम बंद, आ जाते हैं वापस अपने काम। ऑलमोस्ट सेवइयां गल चुकी हैं दूध में जो मैंने रखी थी बॉईल करने के लिए। मैं कहती हूँ ना, मेरा काम कोई भी सीधा नहीं होता कुकिंग का, इसलिए मुझे बबी कहते हैं कि तुम इधर मत आया करो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको क्या स्टीम देनी है? यहाँ पे कस्टर्ड मैंने मिक्स किया, मिक्स कर दें इसको अच्छी तरह से। Thank you.
माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अभी हम इसको बाउल में सर्व करते हैं। बाबा डीजे हम के बाउल में मैं चांस से लेके विद सवैया या सवैया विद कस्टर्ड जो भी दिल करे बोल। इसको मैं जरा सही से इसमें डाल लूं। चम्मच से भी अच्छी तरह से उतार रही हूँ मैं कस्टर्ड को कि वैसे भी ये बेस्ट हो जाएगा, बेहतर है कि अच्छी तरह से चीज को निकाल लूं। अभी इसको ठंडा होने देना, फिर आपके लिए हल्का यहाँ से हल्का कर लूं। ओहो चलिए मुझे आपके लिए मैंने दस कर लेती हूँ। अब नहीं पता ये मीठा बना है या फूका बना है, जैसा भी बना है ठीक है। कस्टर्ड तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन गलती मुझसे ये हुई है कि बड़ी के लिए अलीदा से करना था, अब उनके लिए अलीदा से किसी बाउल में डाल देती हूँ। और यहाँ भी हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान रेडी हो चुका है इफ्तारी के लिए। अभी भाभी का जो कस्टर्ड है ऑफिस लेकर जाएंगे, वो अलीदा कर लूँ जस्ट। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, आप देख लें माशाल्लाह से। ये भाभी के ऑफिस के लिए और ये बकाया जूस है मैंने थोड़ा सा रखा है घर के लिए। मैं मीठा नहीं खाती इतना और भाभी बिल्कुल भी नहीं मुझे वीडियो बनाने देते। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, ऊपर से इनकी ठक ठा लगी हुई होती है। अभी देखिए वो बाहर चले गए, मतलब अभी चले गए बाहर। अद्दा यार ये मैंने इधर रख लिया थोड़ा सा साइड पे करके, और ये बबी का ऑफिस के लिए। अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं और कौन सा काम रहता है वो करें। ये वो बर्तन हैं जो बबी डेली अपने ऑफिस ले जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि शोर ना करें इतना, इनको वॉश कर रहे थे वो तो साथ साथ। अभी क्या रह गया बबो, पकौड़े बन रहे हैं। चलो ठीक, अच्छा ठीक है। अब ये चटनी मिक्स कर रहे हैं इसमें, इसमें क्या डाल रहे हैं? अच्छा वो विनीगर और सॉसेस वगैरह, ठीक है जी। अभी मैं पकौड़े बनाऊँ जल्दी जल्दी। और आप सब बताएं कैसे चल रहे हैं आपके आप सबके रोज़े और रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि दिन भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, और इस वजह से रोज़े सबके अच्छे ही जा रहे हैं। मोस्टली बच्चों के तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं ना, क्योंकि जिनको नहीं भी रखना होता है तो बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें रोज़े रखने। यहाँ पर इसकी तेज़ कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट मेरी सारी कुकिंग हो चुकी है, पहले हो जाती है हमारी अफ्तारी, क्योंकि बबी ने ऑफिस जाना होता है और वहीं पे जाकर उन्होंने रोज़ा अपना अफ्तार करना होता है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि उनको लेट ना हो, और बाहर से लेने से अच्छा है कि अपने घर भी अफ्तारी साथ लेकर जाया करें। जब इस तरह का मसाला होगा तो उसमें थोड़ा सा हम इसको पेस्ट भी कर देंगे पकौड़ों को, कि अच्छे से अंदर से ये बन जाए। मोस्टली मुझे लगता है कि अंदर से ये कच्चे होते हैं, लेकिन नहीं, अंदर से अच्छी तरह से बन जाए। टेस्ट कर दिया करें थोड़ा सा इसका, मुझे तो डाउट होता है कि पकौड़े कच्चे हैं अंदर से, इस वजह से पहले पहले थोड़े से डार्क कलर के हो गए थे, और शुक्र है अब बाबा ने नहीं देखे वरना डांट पड़ जाती उनसे। ये देखिए ये जो मैंने आज पता नहीं क्यों हर चीज़ इस तरह से हो रही है, थोड़े से डार्क कलर के हो गए, मतलब जलने से बच गए। तो बाकी का ये थोड़ा सा ये बन रह गया है अपना बेसन और जो मसाला है वो, और इनका कलर अभी अच्छा है। तो उससे पहले कि अब्बा हजूर मेरे आ जाए, फटाफट से मैं अपने इस गलती को, जो मेरी बड़ी प्यारी वाली गलती है ना मेरे हिसाब से, उसे मैं कवर कर लूँ। अभी मैं साथ में ये ऐड कर लूँगी तो नज़र नहीं आएगा उनको। ये पकौड़े बब्बू जान के रेडी हो चुके हैं, बन के कंप्लीट।
रेडी हो गया। अभी हल्का से इसके ऊपर ना मसाला छिड़क देते हैं, चाट मसाला। जी बाबू, हाँ जी बन गया, ये भी कंप्लीट हो गया। आपकी अफ्तारी कंप्लीट। अभी ये मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा है, लाइक थोड़ी देर के बाद ही बनाऊंगी। हम क्लीन करते हैं, ये थोड़ा बहुत काम रह गया, साथ साथ में किचन अपने क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर अफ्तारी के बाद ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो ये देखिए, अभी इसको मैं समेट लूँ हल्का सा। ये बाउल में लाई थी अपनी रोटियों के लिए, क्योंकि वैसे अगर किसी कपड़े में भी लपेट के रोटियाँ रखी ना तो वो चिकनी लाइक वो अजीब सा हो जाता है। हाँ, एक दो इसके नीचे ना इस तरह से पेपर भी रख लेते हैं। अब इसमें अगर हम रोटी रखेंगे तो वो आई होप सो ड्राई भी नहीं होगी और ठंडी भी नहीं होगी। बबी, तैयारी कंप्लीट है आपकी? चलिए, अभी मैं अभी मेरे अब्बा हजूर की अफ्तारी ऑलमोस्ट तैयार रेडी हो चुकी है। इसमें खजूरें हैं और इसमें पकोड़े हैं और इसमें माशाल्लाह ये सालन, साथ में ये चटनी और जो कस्टर्ड बनाया है वो, और बाकी की चीज़ें वो बाहर से बाय कर लेंगे। मतलब जिस तरह रोटी अगर इनका मूड हो गया तो वो बाहर से बाय कर लेंगे गरम गरम। और ये इनके बर्तन ऑफिस के लिए ले जाएंगे। यहाँ से ये बाबू की ऑफिस के लिए मैंने रखा था। इतना ठंडा नहीं हुआ, बस आप इसको कवर कर देना अभी। ये हो, यहाँ पे मैंने अपनी नमाज भी पढ़ ली और माशाल्लाह अपनी तस्बीह भी कर ली। और ये देखिए मेरी इतनी प्यारी सी तस्बीह। किस किस को इस तरह की तस्बीहाँ पसंद है? मुझे तो ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसके ऊपर या अल्लाह और मोहम्मद का नेम लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे इस तरह की। तो अफ्तारी तक करती हूँ मैं अपनी स्टडी, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी स्टडी रह रही थी। मैंने सोचा चले पहले बबी के साथ अफ्तारी बनवा दूँ, क्योंकि उन्होंने जल्दी जाना होता है, तो उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम करूँगी। अभी 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा है अफ्तारी में, तो अपनी स्टडी कर लेती हूँ कम्प्लीट। इसके बगैर भी गुजारा नहीं है ना, कहाँ जाएँ हम, क्या करें। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। माशाल्लाह मेरी सिंपल सी अफ्तारी, जिसमें पकोड़े हैं, खजूर है माशाल्लाह, और ये सिंपल सा सालन मीठा, और थोड़ा सा चिकन रोस्ट किया था, और वो रही हमारी रोटियां। तो करते हैं हम अपनी अफ्तारी। किस किस ने रोज़ा अफ्तार करने आ जाए, और ये बने पकोड़े ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने बनाया ना इस वजह से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें। ढेर सारी दुआओं में याद रखें, और इस बाबरकत महीने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा उठाएं हम लोग। जितनी इबादत की जाए उतनी ही कम है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।